सॉलिडिटी प्रोडक्ट आपके पास क्या होते हैं, सॉलिडिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ दी ओनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी काइंड ऑफ पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स. Product of the molar concentration of the ions of the partially soluble salt. इसका मकसद क्या है कि आपके पास partially soluble salt दो तरह के आपके पास substances होते हैं, कुछ होते हैं highly soluble जो कि reversible reactions करते हैं और कुछ होते हैं आपके पास partially soluble जो कि reversible reactions करते हैं, मतलब जो completely तौर पर dissociate नहीं होते. हमने पढ़ा था ना reversible और irreversible, तो जो partially soluble salts हैं आपके पास ये completely dissociate नहीं होते. जैसे कि अगर इसकी मिसाल मैं दूं तो AgCl एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इसमें टूटेगा, ये टूटेगा आपके पास Ag+ आयन में और Cl- आयन, इसमें टूटेगा Ag+ आयन और Cl- आयन आपके पास ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा या ब्रेक होगा. जो भी पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस होता है बेटा इसकी डिसोसिएशन की वैल्यू फिक्स होती है फिक्स टेंपरेचर. जैसे AgCl 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना ब्रेक होगा वो वैल्यू फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं टूटेगा ना उससे कम टूटेगा. 30 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना ब्रेक होगा ये वैल्यू फिक्स है, ना उससे ज्यादा ब्रेक होगा ना ही उससे कम ब्रेक होगा. मतलब पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस डिसोसिएशन वैल्यू इज फिक्स एट पार्टिकुलर टेम्परेचर. यहाँ तक बात क्लियर होगी, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू फिक्स होती है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, वो कितना टूटेगा कितना डिसोसिएट होगा, ना उससे ज्यादा टूटता है ना ही उससे कम टूटता है. ये वाली बात भी क्लियर. अब जो आयंस है आपके पास इनकी मोलर कंसंट्रेशन का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं, मतलब जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करते हैं, मतलब लिमिट तक जाते हैं, उसके बाद कन्वर्ट होना रुक जाता है, देन जितना आयंस है वो दोबारा मिलकर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और डिसोसिएटेड सब्सटेंस दोबारा डिसोसिएटेड फॉर्म में चला जा रहा होता है. ये दिन हमने पढ़ा था कि मोलर कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में चेंज होना शुरू हो जाती है तब इक्विलिब्रियम आपके पास अचीव हो जाता है. तो स्टार्टिंग में तो ये डिसोसिएट होता है, देन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो ये वापस मिलकर AgCl बनाएगा और AgCl टूटकर उतना ही Ag+ आएगा और Cl- आएगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयन का पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स के जो आयंस हैं, जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स के जो आयंस हैं, इन आयंस का हम क्या करें, इन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन लें, क्या लें, मोलर कंसंट्रेशन आप ले लें. तो इन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा बेटा किसके, KSP के, इसके बराबर होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, दैट इज कॉल्ड एज KSP. सो द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस इट कैन बी एनीथिंग एल्स. यहां हमने एक मिसाल दी है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की, पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है. मैंने यहाँ पर मिसाल दी है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की आपको, तो जो भी पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस होगा उसके जो आयन होंगे उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, KSP के, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब अगर मैं दूसरी पर मिसाल ले लूं जैसे कि MgOH twice, that is MgOH2, ये किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा बेटा Mg+2 में ब्रेक होगा और 2OH- में ब्रेक होगा. इसके लिए मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, इसके लिए बनेगी Mg+2 के ऊपर पावर 1 और OH- के ऊपर पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू द KSP. KNOH3 के लिए क्या बनेगी बेटा आपके पास, KNOH3 चूंकि ब्रेक होगा एल्युमिनियम प्लस 3 आयन में प्लस 3 OH- में, KSP किसके बराबर बनेगा बेटा, KSP बराबर आएगा आपके पास Al प्लस 3 और OH- माइनस के ऊपर पावर 3 आपको. यहां तक बात क्लियर हो गई. चलिए अब इसमें सवाल किस तरह से आता है, पहले चीज इसकी डेफिनेशन और दूसरे इसके एस्पेक्ट्स. अब एस्पेक्ट्स किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टली आयंस को ही डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, आपने क्या कर दिया आयंस को डायरेक्ट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आप निकालेंगे उसकी वैल्यू निकल कर आएगी. आपने क्या किया बेटा,
बेसिकली तौर पर आइज आपने लिए, आपने कैटाइन लिया पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस का और पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस का आपने एनायन लिया, सही है। और उनकी जो कंसंट्रेशन आपने अभी शामिल की है सॉल्वेंट में, आपने उसका प्रोडक्ट निकाला, ये प्रोडक्ट की एक कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्या होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। और जो पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस है बेटा, उस टेम्परेचर पर उस पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए केएसपी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मतलब जो आपने आइस डाले किसी सब्सटेंस के, उन आइस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया, एक वैल्यू आ गई आपके पास, वो पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस है, इस टेम्परेचर पर डाल रहे हो, उस टेम्परेचर पर कोई ना कोई फिक्स वैल्यू जरूर होगी उस सब्सटेंस के केएसपी की, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो यहाँ पर आपके पास बेटा वैल्यू नहीं देगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यू टेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके पास या तो केएसपी भी इक्वल होगा, या तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेटा वैल्यू टेस्ट, ये आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन केएसपी होगा, या तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू टेस्ट, ये लेसर देन होगा और केएसपी आपके पास ग्रेटर होगा। सवाल यहाँ पर आपके पास इस तरह से आता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आइस के, अगर वो इक्वल टू केएसपी हो जाए, लेसर देन हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में करेगा। तो अगर जो बेटा आपके पास वैल्यू डैश निकला है, मतलब कैटाइन और एनायन की मोलर कंसंट्रेशन पर जो प्रोडक्ट आपके पास निकला है, अगर वो लेसर देन होगा किसके, केएसपी के, अगर वो क्या होगा बेटा, लेसर देन होगा केएसपी के, केएसपी ये एक्सप्लेन करता है कि इस टेंपरेचर पर इस सॉल्वेंट में ये वाला सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है, इस टेंपरेचर पर ये वाला सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है। अगर जो आपने आइस के कंसंट्रेशन पर जो प्रोडक्ट निकाला है वो केएसपी से लेसर निकला है, क्या निकला है, लेसर निकला है, तो लेसर निकलने का मकसद क्या है, आप सॉल्यूट जो है कैन बी एडेड मोर, मतलब सॉल्यूट मजीद ऐड हो सकता है। तो कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट मजीद ऐड हो सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें आपको दिया जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आइस है वो है आपके पास 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 4 और जो केएसपी की वैल्यू बेटा वो है आपके पास 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है, मोलर स्क्वायर या मोलर क्यूब, जैसे मोलर स्क्वायर आपके पास जो भी दे दिया जाए, आपको बता दें ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आइस की वैल्यू है और ये केएसपी की वैल्यू है, केएसपी ग्रेटर है या आयन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर है, केएसपी ग्रेटर है, एक्सपोनेंट 4 का बराबर है, एक्सपोनेंट माइनस 4 माइनस 4 भूल जाओ, 1.9 और 2.0, बताओ कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन ज्यादा है, आपके पास 2 जो है वो ज्यादा है, मतलब केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब जो आयन कंसंट्रेशन है वो आपने कम डाला है, इस सॉल्वेंट में मजीद हल हो सकता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज नाउ बिकम एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैल्यू डैश अगर ग्रेटर देन ओके, वैल्यू डैश अगर, अब क्या होगा, आपने सॉल्यूट डालना शुरू किया, आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ते 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 किसके बराबर हो गई, केएसपी के, केएसपी क्या बताता है, इस टेम्परेचर पर ये वाला सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, मतलब कितना ये वाला सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में जाएगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर वैल्यू डैश मतलब आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर आ जाए केएसपी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें आपको वैल्यू देकर भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि बराबर हो गया दोनों, बताओ सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अब अगर वैल्यू डैश ग्रेटर देन हो जाए केएसपी से, देन फिर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, तो मतलब जो आइस अंदर मौजूद है वो ज्यादा है आपके पास एज कंपेयर टू नॉर्मल केस, तो सर क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हुए आइस, तो आपको कौन सा सॉल्यूशन उठाना पड़ेगा जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइस की वैल्यू कम होगी केएसपी से या ज्यादा होगी या बराबर होगी, ज्यादा होगी, तभी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट होगा आपके पास वो सॉल्यूट जो कि आपने एक्सेस में डिसॉल्व किया। क्लियर हो गया, तो इसकी डेफिनेशन आती है, इसकी यूनिट्स आपसे पूछते हैं, कोई भी एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसकी यूनिट बताओ, तो वैसे तो किसी भी कंसंट्रेशन जो होता है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन उसकी यूनिट होती है बेटा मोल पर डीएम क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल मोल पर डीएम क्यूब इस तरह से, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मोल डॉट डीएम माइनस से लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा मोलर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मोलर या कैपिटल। अगर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो इसके भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसके भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर क्यूब आ जाए
तो इसके भी ऊपर क्यूब आ जाएगा, इसके भी ऊपर क्यूब आ जाएगा और इसके भी ऊपर क्यूब आ जाएगा। अगर ये आपके पास इस तरह की कंडीशन में हो, दोनों के ऊपर बंद में रहे, तो बेस से पावर क्या हो जाएगी एट, तभी आपके पास क्या बन जाएगा मोटर स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपके पास एक पर वन लिखा हुआ है, दूसरे वाले पर टू लिखा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास बेस से पावर एट क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मोल क्यूब पर डीएम था, यहाँ पर मोल स्क्वायर पर डीएम सिक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास मोल स्क्वायर डीएम माइनस सिक्स या फिर मोलर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी स्क्वायर जैसे कि आपको एडीसीएल बनेगा, एडीसीएल के लिए क्या बनेगी यूनिट वन और वन एम स्क्वायर। यहाँ पर एम क्यूब स्क्वायर के लिए वन और टू थ्री हो गया, मतलब एम के ऊपर पावर आ गया थ्री, तो मतलब मोलर क्यूब। यहाँ पर आपके पास अगेन वन और थ्री फोर, तो मोलर फोर हो जाएगा आपके पास, मोल फोर और डीएम थ्री फोर का ट्वेल्व हो जाएगा। समझ आ गया? तो यूनिट आती है, डेफिनेशन आती है, कोई भी आपके पास वैल्यू की जाएगी, पूछा जाएगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन या फिर सुपर सैचुरेशन और सॉल्यूशन के बारे में। तो मोबाइल लिखा था इसने आप लोग आगे चलो। सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बारे में यहां पर आपके पास है बफर सॉल्यूशन और लास्ट आपके पास कॉमन आई इफेक्ट। पहले यहां पर देखेंगे बफर सॉल्यूशन। और ये क्या है बफर सॉल्यूशन? केवल एक नेचर तो होता है दो शब्द, मतलब एक है बहुत एलिगेंट है जो आजकल कॉमन है वही याद रखो, नेगेटिव इफेक्ट भी याद रखो बेटा, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, दो चेहरे लगता है और दोनों अलग अच्छा होता है। उसका जवाब दीजिए।
फिनिश फॉर्म, वो हमें तब समझ आया बाद में, तो जो पूछा जा रहा है उसको इंग्लिश में बता दो, कुछ दिन से हमने भी अपना ट्रेंड नहीं बनाया, जो पूछा जा रहा है उसको याद करो, उस डेफिनेशन को तर्जुमा कर दीजिए पूरा मुकम्मल तौर पर उर्दू में, बाकी किताब में लिखा हुआ है तो उर्दू के लिए भी किताबों में उसका या तो प्रॉपर उसको इंग्लिश में बताइए, तभी कहा जाएगा कि आप उस टॉपिक को सही बताए। सही है, एक डेफिनेशन है उसका, अगर एक ही वर्ड है और उस पर उसकी पूरी डेफिनेशन बेस करती है उसको आप पूरी नाम बना के सुनाते रह जाइए, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, वो एक वर्ड सुनाइएगा नंबर मिल जाएगा। सही है, उसी तरह से आपको कोई मार्क्स नहीं मिले बफर सॉल्यूशन के हवाले से, जितना आपको जाके बताया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं, आपको डेफिनेशन नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन that tends to resist the change in pH, एक ऐसा solution जो के अपने pH को change होने से रोके, मना करे pH के change होने से, क्योंकि आप खुद पर खुद पर तो pH change नहीं होता, pH कब change होता है? Upon adding, जब उसके क्या add किया जाए, upon adding an acid और अब बेस इन लिटिल क्वांटिटी, यानी ना वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड लेस क्वांटिटी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा आपने एसिड डाला या थोड़ा सा आपने बेस डाला, वो सॉल्यूशन होना चाहिए था उसका पीएच चेंज, लेकिन उसका पीएच चेंज नहीं होता, वो रेजिस्ट करता है अपने पीएच को चेंज होने से, तो सॉल्यूशन को हम कह देते हैं बफर सॉल्यूशन। A solution that tends to resist the change in pH upon adding an acid or a base in a very little quantity, that solution is called as buffer solution. There are two types of buffer solution. First one that is acidic buffer solution. Aur dusra kaun sa hota hai? Basic buffer solution. What is acidic buffer solution and what is basic buffer solution? एक ऐसा solution जो कि तैयार किया जाए weak acid और उसमें basic salt हम डालें, लेकिन basic salt किसी acid को किसी भी strong base से react करके आपने बनाया, मतलब strong basic salt आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप solution of weak acid with its strong basic salt, मतलब जो salt होनी चाहिए वो किसी acid की होनी चाहिए, किसी acid को इस्तेमाल करके आपने ये वाला salt बनाना है, लेकिन ये तो weak acid है, तो word strong का क्यों इस्तेमाल हो रहा है और साथ में basic strong का word क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस salt को तैयार करने के लिए आपने strong base मिलाया होगा इस acid के साथ, तो एक अलग जगह पर आपने लिया weak acid, जैसे कि आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल CH3C11OH, उसके साथ आपने क्या मिलाया है स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, इसके स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है CH3C11O NaLi भी ले सकते हो, यहां CH3C11O NaLi ले लो, CH3C11O NO ले लो, CH3C11O K ले लो, आप ले सकते हो। ये कैसे बना? ये वीक एसिड है CH3C11OH एसिडिक एसिड, इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करा दिया, दैट इज NaOH, NaOH भी करा सकते हो, KOH भी करा सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस CHOH भी करा सकते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस CH3C11OH इसमें कन्वर्ट होगा CH3C11O NaCl इसमें कन्वर्ट होगा CH3C11O NaCl के अंदर। अब ये जो CH3C11O NaCl और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपके पास फार्मूला भूल जाओ, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न इससे है। सही है, तो ये जो सॉल्ट आपके पास तैयार हुआ बेटा, ये कैसे तैयार हुए? जब आपने वीक एसिड को किसके साथ मिलाया, आपने वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया तब ये सॉल्ट तैयार हुआ, और इस सॉल्ट के अंदर जो एनायन है इसका वो किससे आया है? इसका जो एनायन है इस सॉल्ट का वो आया है आपके पास बेटा वीक एसिड से, और इसका जो कैटायन आया है दैट इज Na पॉजिटिव, वो कहां से आया आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो व्हाट आर द बेसिक सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिला करके बना, वो कौन सा सॉल्ट कहलाता है? बेसिक सॉल्ट्स के अलावा, और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस आपने इस्तेमाल किए तो
इसलिए वर्ड का यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स वर्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अब आपने क्या किया, ये अलग कमरे में आपने रेडी किया, वहां से उठा करके लाए और ये दूसरी जगह पर आपने रेडी किया था, दोनों को टारगेट ही मिला दिया। तो जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिला के बनाने से, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, जिसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट हो, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। वीक बेस के साथ NH4OH, इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट मतलब इस बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, अगर उसके साथ NH4OH को रिएक्ट कराओगे तो आपके पास बनेगा NH4NO3 सॉल्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पर HCl ले लेंगे और उसके साथ NH4OH को रिएक्ट कराएंगे, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बनेगा बेटा आपके पास, आपके पास बनेगा H4Cl बनेगा। और अगर H2SO4 ले लेंगे NH4OH को रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, NH4 2SO4। सही है? ये सारे आपके पास क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ऑफ विच बेस, ऑफ वीक बेस, ऑफ NH4OH बेस। वीक बेस तो है लेकिन यहां पर भी कौन सी है, NH4OH। यहां तक बात के, अगर आपके पास NH4OH के साथ इनमें से कोई भी लिखा हो, जैसे कि यहां पर बोला था ना CH3COOH NaCH3COOH LiCH3COOH, अच्छा CH3COOH तो Mg भी हो सकता है, क्योंकि MgOH स्ट्रॉन्ग बेस ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को आपने रिएक्ट कराकर जो सॉल्ट आपने बनाया होगा, वो सॉल्ट यहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर NH4OH के साथ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगा दिया NH4NO3। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस मौजूद है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट मौजूद है, उस सॉल्ट को हम क्या, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। इतना ही कॉन्सेप्ट है बफर सॉल्यूशन। लेकिन बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता है, इसने यहां कंडीशन मेंशन की है कि वो अपना पीएच चेंज होने से रोकेगा कब तक, अपॉन एडिंग एन एसिड और बेस इन अ लिटिल क्वांटिटी। अगर आप लिटिल क्वांटिटी के अंदर, लेस क्वांटिटी के अंदर हाईली कंसंट्रेटेड या आपके कहने के स्ट्रॉन्ग जो है, आपने क्या ले लिया, एसिड ले लिया या स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया और वो आपने ऐड कर दिया, तो फिर बफर सॉल्यूशन अपनी एबिलिटी को लॉस कर देगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन अ क्वांटिटी, लिटिल बिट क्वांटिटी में अगर आप अप्लाई कर दें तो भी वो क्या कर देगा, बफर सॉल्यूशन अपनी टेंडेंसी को लॉस कर देगा। या फिर हाईली अमाउंट ऑफ एसिड, हाईली अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एसिड और बेस आपने ऐड किया, भले कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया, तो भी पीएच क्या कर देगा आपके पास रहेगा, बफर सॉल्यूशन अपना रेजिस्ट होने को यानी कि बरकरार नहीं रख सकता अपना पीएच, उसका पीएच चेंज हो जाएगा बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन तब अपनी एबिलिटी को लॉस कर देगा जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, या फिर आप जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में कैसा भी एसिड और कैसा भी बेस डालते हैं, तो सॉल्यूशन की जो आपके पास टेंडेंसी है अपने पीएच को मेंटेन करने की, मतलब बफर सॉल्यूशन की जो टेंडेंसी है अपने पीएच को मेंटेन करने की, वो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये बफर सॉल्यूशन के ब्रॉड एंड फॉर जितने भी थे वो यहां पर हमने डिस्कस किए। इससे सवाल किस तरह से बनेगा, सबसे मेन चीज है इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स के अंदर ये वाली जो लाइन है एज कंपेयर टू दिस एग्जांपल, दिस पॉइंट इज सो मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस एग्जांपल। अगेन इसकी ये वाली लाइन एज कंपेयर टू दिस एग्जांपल इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? और अगर एग्जांपल से पूछेगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट है। पहचान क्या है, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट का जो एनायन होगा वो एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी लगा हो आपके पास, यहाँ पर आपके वीक बेस का कुछ भी लगा हो सकता है, कोई भी वीक बेस का यहाँ पर कैटायन लगा हो सकता है, लेकिन एनायन जो होगा वो किसका होगा, या तो NO3 होगा या तो Cl होगा या तो SO4 होगा। इसी तरह से यहाँ पर कैसे पहचान होगा, यहाँ पर कोई भी ग्रुप बन के 2A का या 3A का आपके पास एल्यूमिनियम लगा होगा, यदि 1A का मेटल लगा होगा, 2A का मेटल लगा होगा या 3A का एल्यूमिनियम लगा होगा, वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट आपके पास कहलाएगा। समझ आ गया? पर ये पहचान है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट की और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट की। इसके हवाले से जितने एमसीक्यूज हैं वो ये वाला पॉइंट भी आपके पास कवर होना चाहिए कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड या बेस को
effect, basically it is an effect. It is not any of the process, it is just the effect. It is not the asar. Kya hai? What is common eye effect? The Shatter ye bolta hai ki aap reactant ki concentration badhao to reaction forward jata hai, product ki concentration badhao to reactant ka reaction kahan jata hai? Backward. तो कॉमन आई इफेक्ट में हमेशा हम करते क्या है, हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम प्रेसिपिटेशन कराना चाहते हैं, इसकी प्रेसिपिटेशन कराना चाहते हैं, प्रेसिपिटेशन कराना चाहते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस पार्शियली सॉल्युबल हुआ है, ठीक है, उसको वहां से क्या करना चाहते हैं, प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं। कैसे कराएंगे? बाय एडिंग हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस। अब इसका क्या ताल्लुक है कि हमने कोई एक हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस डाला और जो पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस से वो निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएगा, भाई उसको उससे क्या कर, जो सब्सटेंस हमने डाला हाईली सॉल्युबल सॉल्ट वो अपना डिसॉल्व हो जाएगा, जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट जितना डिसॉल्व हो उतने डिसॉल्व कर प्रेसिपिटेट होती है बाहर निकलेगा। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट टेक्स प्लेस बाय एडिंग हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस। व्हेन, कब होगा ऐसा? व्हेन देयर इज अ कॉमन आई इन दो सब्सटेंस, उन दो सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी एक कॉमन आई जरूर अगर होगा तो आपके पास क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट में। जैसे यहां पर एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट मैंने लिया दैट इज KBCl, क्योंकि इसमें ब्रेक होता है बेटा सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद ये टूट गया Ag+ और Cl- के अंदर, अभी आयंस मौजूद है, अब मैं चाहता हूं KBCl जितना डिसॉल्व हुआ है वो वापस आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या KOH डाल दूंगा, केवल डालूंगा तो वो तो टूटेगा, के प्लस आयन का ओएच माइनस आयन में प्रेसिपिटेशन थोड़ी होगी, हालांकि हाई सॉल्युबल सब्सटेंस डाला और पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है तो क्या प्रेसिपिटेशन होगी, होगी नहीं, कॉमन आई इफेक्ट कहलाएगा ही। तो जो दूसरा सब्सटेंस आपने डाला है वो हाईली सॉल्युबल होना चाहिए पहली शर्त, जिसको प्रेसिपिटेट कराना चाहते हो वो पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस होना चाहिए दूसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है कि जिस सब्सटेंस को डालोगे हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस उसके टूटने से कोई एक आयन ऐसा जरूर प्रोड्यूस होना चाहिए जो कि पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस से बनने वाले आयंस की तरह का हो, कम से कम किसी की तरह का हो। जैसे कि मैंने अगर KCl डाल दिया तो ये हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा K+ आयन का Cl- आयन। सॉल्वेंट को क्या पता KCl- आयन कहां से आ रहा है, AgCl को क्या पता या Ag+ आयन को क्या पता KCl- आयन किधर से आ रहा है, आ रहा कहां से, इससे गलत नहीं है, आ रहा है ये है, ठीक है, तो ये Cl- आयन और ये Cl- आयन यहां पर मौजूद है। असल में होता क्या बेटा, जैसे ये Cl-
अच्छी खासी तादाद आपको मिल जाएगी क्योंकि हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस है, कंप्लीटली तौर पर डिसोसिएट होगा। तो ये जो आपके पास बेटा फार्मूला यूनिट्स हैं Cl-ion दैट आर कॉल्ड आपके पास या जो भी तुम लोग इसको अगर आयन कह रहे हो तो आयन की कंसंट्रेशन सडनली क्या हो जाएगी रेज। तो सॉल्यूशन के अंदर Cl-ion की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी रेज हो गई। तो Cl-ion की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए तो Cl-ion किसके लिए किसके तौर पर है प्रोडक्ट के तौर पर है ना। तो सॉल्यूशन में जैसे ही Cl-ion की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी रिएक्शन में कोई भी बैकवर्ड और जो डिसॉल्व हुआ वाला वो वापस निकल कर बाहर आएगा प्रेसिपिटेट की शक्ल में। किस शक्ल में प्रेसिपिटेट की शक्ल में। आपसे सवाल किस तरह से आता है यहाँ पर डेफिनेशन वाइज बहुत कम सवाल पूछा गया कॉमन आई का। कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल दे दी जाएगी कंडीशन से सवाल आता है जो की कंडीशन बताई और कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन आपके पास दे दी जाएगी बोला जाएगा इसमें कॉमन आई क्या होगा। आप देखो आपके पास ए जी ओ एच थ्री ये भी आपके पास क्या बेटा पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस है ये किसमें टूटेगा Ag+3 हाई और 3OH- में टूटेगा। अब मैं यहां पर क्या डाल दूं मैंने NaOH डाल दिया हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस है कंप्लीटली टूटेगा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा Na+ आयन और OH- आयन अगेन OH- आयन OH- आयन क्या हो गया कॉमन आयन हो गया आपके पास Ag+3 प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो हम क्या चाहते हैं बेटा अगर पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं बाहर निकालना चाहते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं किसको ऐड करते हैं बेटा एक ऐसे सब्सटेंस को जो कि हाईली सॉल्युबल फॉर्म होता है। तो उसके जाने की वजह से कोई भी एक कॉमन आयन जरूर होना चाहिए पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस के आयंस के लिहाज से तभी क्या होगा कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी रेज्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी रेज्ड एंड द रिएक्शन प्रोसीडिंग बैकवर्ड। अगर रीजन इस तरह से आता है कि कॉमन आयन इफेक्ट में रिएक्शन अगर प्रॉपर कॉमन आयन इफेक्ट चल रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है प्रेसिपिटेशन कराने के लिए। जब प्रेसिपिटेशन होती है तो रिएक्शन ना चलता है बैकवर्ड आपको चल रहा है। देखो इरिवर्सिबल आप कोई बोल सकते हैं सर इसमें तो बैकवर्ड नहीं आएगा तो आपने बैकवर्ड का वर्ड क्यों यूज किया। वो भाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों कॉमन से कौन से रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है तो इसको तो वैसे ही उल्टा होगा इसको तो बैकवर्ड आ ही नहीं सकता ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो ये बैकवर्ड आएगा ही बैकवर्ड किसकी बात की जाएगी इस वाले सब्सटेंस की बात यहां तक बात है। तो कॉमन आयन पर आप क्यों कराना चाहते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन करा पाए किसी के पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस की उस सॉल्यूशन में से कैसे कराएंगे बाय एडिंग हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस दैट हैज अ कॉमन आयन विद दैट सब्सटेंस। इसमें कोई ये क्या है कम से कम ऐसा कॉमन होना चाहिए जो कि आपके पास कैसा हो कॉमन हो उस partially soluble substance के लिए ऐसे ना reaction में proceeding backward and then when it will moving backward the precipitates will be obtained. This impact is now called as common ion effect. ठीक है तो यहाँ पर हम लोग का बेटा chapter number 6 जो है equilibrium of slightly ionic substances इसकी भी discussion हो गई। chapter number 6 जो आपका यहाँ पर और आपके बच्चे लिए इसी के लिए body chemical equilibrium और उसके जितने pros and cons हैं जो further और बाकी boards की किताबों के अंदर लिखे हैं आपके syllabus के according हो तमाम points हैं। ठीक है चैप्टर 6 आपका यहाँ पर एंड होता है फिनिश हो गया।